एसपी बीएसपी और कांग्रेस के सदस्य आज एक बार फिर से हंगामा कर सकते हैं, इसके आसार पूरी तरीके से यहां पर बने हुए हैं। हालांकि जब बैठक हुई तमाम पार्टियों की तो उस दौरान आश्वासन यहां पर दिया गया कि हम इस पूरे बजट सत्र में हंगामा नहीं करेंगे और जो बजट यहां पर पेश किया जाएगा उसको हमारा समर्थन मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई उसके बाद से आसार हर दिन ऐसे ही नजर आते हैं जहां पर हंगामा बरपने वाला है। तो एसपी का और कांग्रेस का हमने कल प्रदर्शन देखा, लेकिन अब चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी नरेंद्र यादव का। नरेंद्र, कल हमने एक विरोध प्रदर्शन देखा, हंगामा देखा, लेकिन आज कह सकते हैं कि इस हंगामे की दूसरी तस्वीर देखने को मिलेगी दूसरे दिन। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है और एक तरफ सरकार दावे कर रही है, क्योंकि कल जब राज्यपाल का भाषण हुआ था तो उसमें प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यों का लेखा जोखा था, चाहे वो महंगाई को लेकर काम किया हो, चाहे किसानों को जो पैकेज दिया गया है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर जो सारी चीज़ें थे उसको राज्यपाल के भाषण में सरकार की तरफ से शामिल किया गया था, और जिसको लेकर विपक्षी दल तुरंत ही सदन में हंगामा शुरू कर दिए थे। आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट है और लगातार इसे झूठ का पुलिंदा बता रहा है और इसका विरोध कर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रहा है। तो आज निश्चित तौर पर जब सदन 11 बजे शुरू होगा तो निधन की सूचना दी जाएगी, इसके बाद राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू होगी। तो राज्यपाल के भाषण पर जैसे ही चर्चा शुरू होगी विपक्ष लामबंद होगा और कानून व्यवस्था सहित किसानों के लेकिन मुद्दों पर ये बताइए, विपक्ष ने तो कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है कि आखिरकार सदन में किस तरह से सरकार को घेरना है, लेकिन क्या सरकार की तैयारी है? क्योंकि कल जिस तरह से मुद्दे वहां पर गिनवाए गए थे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को यहां पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार वो फ्रंट फुट पर आकर कुछ अपने बयान रखे। तो ऐसे में क्या तैयारी सरकार की तरफ से दिख रही है? सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने विभागों की तैयारियां कर ली हैं, उनके विभाग ने जो विकास किए हैं, जो सारी योजनाएं शुरू की हैं उसका लेखा जोखा उनके पास मौजूद होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में नसीहत अपने मंत्रियों को दे दी है कि ज़्यादा भाषणबाजी से, ज़्यादा बयानबाजी से अच्छा होगा कि आप संक्षिप्त में अपने तथ्यवार बिंदुवार चीज़ों को रखें और जिससे विरोधी दल के विधायक और सदस्य जो बातें उठाए उसका जवाब दिया जा सके। सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जिसकी तैयारियां आप लोग कर लीजिए। तो इसको लेकर मंत्री कल विधानसभा में अपने ऑफिस में लंबी तैयारी करते हुए दिखाए, प्रमुख सचिव और अधिकारियों के साथ बैठकों का लगातार दौर जारी रहा। तो आज निश्चित तौर पे जो मंत्री होंगे विभागों के, तमाम विभागों के, वो तैयारी के साथ आएंगे और जो विपक्ष का वार होगा उसको झेलने की तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है, महंगाई को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो निश्चित तौर पर सरकार की बात और मंत्रियों की बात को नहीं सुनेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर निश्चित तौर पर विरोध करेगा, हंगामा होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष यही कहता रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो गलत हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं, एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर चाहे विकास की बात मंत्री कितनी भी रखे, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आज जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष मंत्रियों को बोलने नहीं देगा और हंगामा करेगा, क्योंकि जब एक सिरे से खारिज कर दिया गया है प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, आज हंगामा हो सकता है, क्योंकि कल ही सभी विधायक जो कांग्रेस के हों, चाहे बीएसपी को के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के, सबने ये दावा किया था कि सरकार कानून व्यवस्था पर फेल है और किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा बहाना कर रही है। धान और गेहूं के चल रहा है, 18 तारीख को यहां पर सरकार अपना बजट पेश करेगी, ऐसे में क्या ये जो विरोध हो रहा है और खासकर महंगाई को लेकर जिस तरह से घेरा जा रहा है, बजट पेश करने से पहले क्या ये जो फिलहाल हालात बने हैं क्या ये मुश्किलें सरकार के लिए पैदा कर सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष हंगामा करेगा और बजट पेश किया जाएगा, उस दिन भी हंगामे के आसार हैं।